आज हम आपको एक ऐसे हवाई जहाज के बारे में बता रहे हैं जो 1955 में उड़ान भरता है और गायब हो जाता है और 1992 में फिर से लैंड करता है। जाने पूरी जानकारी बने रहे हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्लाइट 914 ने 2 जुलाई 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से मायामी के लिए उड़ान भरी थी। इस हवाई जहाज में कुल 67 यात्री सवार थे। इसके साथ ही इसमें 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। यह हवाई जहाज अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ा जरूर, लेकिन कभी भी मायामी नहीं पहुंचा। फ्लाइट 914 मिस्ट्री। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य जिनको समझ पाना बेहद मुश्किल लगता है। दुनिया भर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी गुत्थी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीन करना भी नामुमकिन लगता है, और दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य की वजह से हैरत में पड़ गए थे। आज से करीब 68 साल पहले सन 1955 में भी एक ऐसी ही रहस्यमयी घटना घटी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमयी विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। बीच रास्ते में ही यानी हवा में ही यह कहीं गायब हो गया, जिसका सुराग आज तक अमेरिका को नहीं मिल पाया है। इस घटना में सबसे हैरान कर देने वाली बात जो है वह यह है कि 30 साल पहले यानी 1955 में गायब हुई फ्लाइट 914 9 मार्च 1985 को रहस्यमय तरीके से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड होती है। इस लैंडिंग की जानकारी एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल विभाग को नहीं होती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब यह फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो विमान के पायलट नहीं वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि इस साल 1985 है। यह सुनते ही पायलट ने गहरी सांस ली और कहा, ओह माय गॉड। इसके बाद कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही यह विमान फिर से आसमान में उड़ चला। इस रहस्यमयी विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।